हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से YouTube फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.1। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। जो अब बचे हुए सवाल है उसको हम आज की लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको स्क्रीन पे 8वां नंबर सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, आप 8वां नंबर प्रश्न यहां से देख सकते हैं और स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए पहले, उसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। 8वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि 3 cot A = 4, यदि 3 cot A = 4 दिया है आपको, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - सिद्ध करना, पता करना, जांच करना, सिद्ध नहीं करना, सॉरी पता करना है कि 1 - tan² A / 1 + tan² A ये बराबर है cos² A - sin² A। यही पता करना है दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, केवल यही चेक करना प्यारे बच्चों। बहुत आसान सा सवाल है, एकदम आसान, एकदम मक्खन वाला सवाल। केवल आप इस 3 को इधर कर दो प्यारे बच्चों तो यहां से हो जाएगा cot A = 4/3। 3 इधर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब cot A का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक। यानी आधार की वैल्यू 4 है, लंब की वैल्यू 3 है। अब एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक, ये हो गए। अब यहां पर अगर हम ए नाम दे, यहां पर ए नाम दे, ये बी नाम दे, ये सी दे, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब कितना है प्यारे बच्चों? 3 है। और आधार कितना होता है? 4। अब आपको ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ए बी का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग का योग, आपस में बराबर होता है। तो वैल्यू रख देते हैं, एसी की वैल्यू कितनी है? 4 है, और बीसी की वैल्यू कितनी है? 3 है। चलिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 9 कितने आ जाएंगे? 25। तो ये ए बी का वर्ग आ गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 5। तो ए बी की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 5। तो यहां से आपको ये 5 मिल गया। अब आप यही दोनों पक्षों में वैल्यू रख दीजिए बस। अब देखिए क्या है, 1 - tan, तो 1 - अब tan A की वैल्यू, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन है प्यारे बच्चों? BC है, और आधार कौन है? AC है। तो BC बटे क्या हो जाएगा? AC का वर्ग हो जाएगा, पूरे के बटे 1 + tan² A। tan A की तो वैल्यू वही है ना भैया, BC बटे AC का वर्ग हो जाएगा, ठीक, बराबर cos² A। अब cos A की वैल्यू फार्मूला होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण ये है। आधार कौन है भैया? AC है, और कर्ण कौन है? AB है। तो AC बटे AB का वर्ग माइनस साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी का वर्ग। किसी को दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं होना चाहिए। अब केवल सबकी वैल्यू रख दो चित्र के माध्यम से। देखो अब बीसी की जो वैल्यू है वो 3 है, और एसी की वैल्यू 4, यानी यहां 3/4 हो जाएगा। 1 - 3/4 का स्क्वायर, वही सेम टू सेम यहां भी होगा, 3/4 का वर्ग। चलिए बराबर करते हैं। अब एसी बटे ए बी, एसी की वैल्यू कितनी है? 4 है, और ए बी की वैल्यू 5 है।
चार बटे पांच कवर कर देंगे, और यहाँ यहाँ बीसी बटे ए बी है, बीसी कितना है 3 है, ए बी कितना है 5 है, 3/5। चलिए हल करते हैं, यहां आ जाएगा 1 - 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, यहां वही करेंगे तो 1 + 9/ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बराबर 4 × 16 5 × 25 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, वहां 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अब देखिए बटे एक कर सकते हो प्यारे बच्चों, 16 ये भिन्न का घटाना हो गया, 16 में से 16 - क्या हो जाएगा 9, देखिए 16 × 16 9 × 9 16 - 9 बटे क्या हो गया प्यारे बच्चों 16 हो गया, पूरे बटे 16 × 16 और 9 × 9 बीच में प्लस है, बटे क्या हो गया 16, ये 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे क्योंकि हर बराबर है, तो 7/25 आ जाएगा, इधर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, इधर 16 9 जोड़ दिए 25। तो प्यारे बच्चों देखिए दोनों पक्ष बराबर आए, अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हम लोग को जांच करना था ना कि ये दोनों पक्ष क्या है आपस में बराबर है या नहीं है, तो प्यारे बच्चों दोनों पक्ष आपस में क्या सेम टू सेम डिटो है। तो इस प्रकार आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 की, पहले आप ये बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चों कमेंट ये जरूर कीजिए कि क्या 8वीं सवाल आपको हार्ड तो नहीं लगी, नहीं लगी नहीं लगनी चाहिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं 9वें नंबर की। तो गाइस 9वां नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यानी एक त्रिभुज बनाना है हम लोगों को, ठीक क्या बनाना, एक कोण बनाना है और जिसका बी जो है क्या है समकोण है, ठीक आगे करा, इसमें टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए बराबर 1/√3 ये आपको दिया है। अब इसमें फर्स्ट पोर्शन में ज्ञात क्या करना, साइन ए जो ज्ञात करना पहले बच्चों इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट पोर्शन में ज्ञात करना है साइन ए और कॉस सी, ठीक और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपको फर्स्ट पोर्शन में ज्ञात करना है, और सेकेंड पोर्शन में आपको ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही इतनी ही चीज आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान और मक्खन वाला सवाल है। अब ध्यान देना पहले बच्चों, ये टेन ए की वैल्यू दिया गया, और पता है टेन ए का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, होता है नहीं होता, अब लंब की वैल्यू एक है, अगर अगर आप एक ए को क्या मान रहे भैया कोण मान रहे, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये एक हो गया, और आधार ये वाली भुजा हो जाएगी, ये √3 हो गया, ठीक। अब आपको कर्ण की जरूरत है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो बड़ी भुजा एसी है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, अर्थात ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग का योग होगा। चलिए ए बी की वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू है √3, ठीक, और बी सी की वैल्यू 1, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा प्यारे बच्चों, वो 1 आएगा, 3 × 4 ये ए सी की स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर कर्णी लग जाएगा एसी, और ये कर्णी से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो एसी की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 2 आ गया, मतलब ये आपको 2 मिल गए। अब आप चाहो तो वहां पर डायरेक्टली सबका मान आप रख सकते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे कि वहां पर आपको सबसे पहला करा साइन ए, यानी यहां से देख के बताना है बच्चों, तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, अब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कर्ण आपका यही होगा, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं बीसी बटे एसी गुणे कॉस सी, यानी इस बार एंगल यहां बना है, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी ये वाली आधार होगी, तो
आधार है बीसी और कर्ण है एसी। आधार है आपका बीसी और कर्ण क्या है एसी प्लस। बात समझिएगा जरा सा। फिर कॉस ए, ए एंगल यहां पर आ गए ए पर, यहां देखिए कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण। अब कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, आधार कौन होगा ये वाला होगा, तो ए बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण आपका वही रहेगा ए सी इंटू साइन सी। साइन सी यानी इस बार ये हो गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और कर्ण आपका ये रहेगा, लंब इस बार हो गया ए बी और बटे क्या हो जाएगा ए सी। ठीक यही होगा। अब आप देखिए बीसी का गुना बीसी से करते हैं तो बीसी बटे ए सी का ये स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम टू सेम प्रोसेस वहां पर भी होगा, ए बी बटे ए सी का वर्ग हो जाएगा। चलिए गुणा कर दिए ना सब सेम टू सेम डिट्टो वाले अंक थे। अब बीसी की वैल्यू देखो चित्र में एक है और ए सी कितना है प्यारे बच्चों दो है, और ए बी कितना है ए बी आपका अंडर रूट तीन है और ए सी कितना है दो है, यही है ना वर्ग। इसका वर्ग करोगे तो एक बटे चार आएगा, इसका वर्ग करोगे तो तीन बटे चार आएगा, तीन एक चार, चार बटे चार कैंसिल हो गया एक। है किसी को दिक्कत, है किसी को दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों, एकदम मक्खन के जैसा सवाल आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस बात की यहां, ठीक। अब आप देखो प्यारे बच्चों कॉस ए की वैल्यू अपने यहां निकाला है, कॉस ए की वैल्यू है ए बी बटे ए सी, ठीक। कॉस सी की वैल्यू आपने यहां निकाला है गुणे बी सी बटे ए सी, ठीक। माइनस साइन ए, अब साइन ए की वैल्यू आपने यहां निकाला है बी सी बटे ए सी गुणे साइन सी, साइन सी की वैल्यू ऊपर है ए बी बटे ए सी। आइए केवल वैल्यू रखते हैं। अब देखिए ए बी की वैल्यू चित्र में आप देख रहे हैं अंडर रूट तीन है और ए सी की वैल्यू तो दो है। अब बी सी कितनी है एक है और ए सी दो है। अब फिर से देख रहे होंगे बी सी आपको एक दिखाई पड़ रहा और ए सी आपको दो दिखाई पड़ रहा है, और ए बी आपको अंडर रूट तीन है और ए सी आपको दो है। अब देखिए अंडर रूट तीन का गुणा एक में करेंगे अंडर रूट तीन, दो का गुणा दो से करेंगे चार, वो भी अंडर रूट तीन बटे चार, एक में से एक घटाते हैं तो जीरो, इसका उत्तर आ गया जीरो, तो उसका आंसर एक, इसका आंसर जीरो। इस प्रकार प्यारे बच्चों नौवां नंबर आपका प्रश्न क्या होता है कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आंसर जरूर अपने बुक से मैच कराइएगा कि क्या आंसर आपके मैच कर रहे हैं। चलिए तो गाइज आपको दसवां नंबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। भैया एक आगे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या दिया है वो देखिए, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और साथ में एक चीज और दिया है प्यारे बच्चों। अगला क्या दिया जानते हैं, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अगला दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है। अब ज्ञात करने के लिए दे रहा है, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना वो देखिए प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी फिर टेन पी, यही तीन चीज ज्ञात करने हैं। चलिए इन सब के मान आप बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर लोगे। सबसे पहले आपको ये दो अधूरे भुजा चाहिए आपको, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब प्यारे बच्चों इतनी सवाल आप लोग लगा लिए हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय तो जान ही गए होंगे, बड़ी भुजा का वर्ग पी आर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग, शेष दो कौन है पी क्यू
और प्लस कौन है प्यारे बच्चों, क्यू आर है। ठीक, अब देखिए आपको यहां से पी क्यू की वैल्यू पता है प्यारे बच्चों, 5 है, 5 का वर्ग, परंतु क्यू आर की वैल्यू नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, जरा सा भी दिक्कत नहीं। अब देखो क्यू आर की वैल्यू नहीं पता तो पी आर को उठा के उधर यहां फेंक दो ना, तो क्यू आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ जरा सा। क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस पी आर, है दिक्कत, ये वाले उधर चले गए तो प्लस उधर गया माइनस हो गया, तो यहां आ गया 25 माइनस पी आर का वर्ग। ठीक भैया, 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, इधर पी आर का वर्ग रहेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 का वर्ग करोगे तो 625, प्लस बी स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर, माइनस 2 ए के स्थान पे 25 और बी के स्थान पे पी आर, ये आ गए प्यारे बच्चों। अब देखो ये दोनों चीज आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपके पास 625 और ये जोड़ के हो गए 650, माइनस 25 दूनी 50, 50 पी आर। माइनस वाले इधर चले आए प्यारे बच्चों, तो माइनस वाले जब इधर आ गए तो क्या हो गए, प्लस हो गए। माइनस वाले इधर आए तो प्लस हो गए 50 पी आर बराबर कितना बचा, 650। कटा दीजिए 0, फिर ये 5 तरह में 65, यानी पी आर की वैल्यू 13 आ गई प्यारे बच्चों। अब बताओ जरा सा पी आर की वैल्यू 13 आ गई। अब यहां से क्या हम निकाल सकते हैं, 25 माइनस 13 इक्वल टू 12, यानी क्यू आर की भी वैल्यू कितनी है 12, तो हम आराम से इसको भी लिख दिए 12, सब मिल गए। अब साइन पी कॉस पी टेन पी कॉट पी चाहे जो पी निकालो आराम से निकालेंगे। अब फर्स्ट यहां चीज है कि हमको साइन पी निकालना है, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताओ लंब कौन है, यहां पी देखिए, यहाँ पी गहरा ना, पी पे कोण बनाइए तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना है 12 है, और कर्ण तो बड़ी भुजा होगी 13। ठीक, अब इसी में क्या पूछा अगला, कॉस पी पूछा है, चलो कॉस पी, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई तो ये वाली आधार हो जाएगी, आधार कौन है 5 और कर्ण कौन है 13। फिर आ जाइए थर्ड में, क्या पूछा टेन पी, तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है, देखिए लंब ये है 12 और आधार कौन है 5। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये 10वां नंबर प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बातें करते हैं आगे वाले प्रश्न की। गाइस आपको जो प्रश्न नंबर 11 है सत्य और असत्य, उनमें से आपको सबसे पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, टेन ए का मान, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है, यही आपसे पूछ रहा है, एक से कम होता है, यही आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो भैया जवाब जानने के लिए आप ये जान लो ये कथन क्या है, असत्य है, परंतु मुद्दा ये उठा कि सर जी हम तो उत्तरमाला में से देख के भी जान सकते थे सत्य है असत्य है, आप बताइए इसका कारण कि क्यों असत्य है। तो भैया आ जाओ, हम कारण बताने के लिए पीछे नहीं हट रहे, हम कारण तुरंत बता रहे हैं। अब बता टेन ए है ना, अब टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब आप मुझे बताओ टेन ए का मान, टेन ए का मान एक से कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, टेन ए का मान एक से कम होने का मतलब है कि आधार हमेशा हमेशा, जैसे आप बोलो ये 1 2/2 रख दिए और यहाँ 2/3 रख दिए, यहाँ 2/4 रख दिए, बोलो अब ये कटाओगे तो 1 आएगा, ये कटाओगे तो लगभग 1 से कम ही आएगा। ठीक, 1 से क्या होगा, कम ही आएगा, और अब इसे कटाओगे तो और 1 से कम आएगी तो 0.5 लगभग आ जाएगा। ठीक,
मतलब कहने का मतलब है कि जब आपका लंब क्या हो, ये जब यहां आप समझिए इससे, ये लंब है, ये आधार है, यानी जब वो कह रहा है टेन ए का मान सदैव एक से कम होगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आधार है प्यारे बच्चों, वो हमेशा लंब से क्या हो, छोटा हो, हमेशा लंब से क्या हो, छोटा हो। ऐसी ऐसी स्थिति तो कभी नहीं हो सकती प्यारे बच्चों कि हमेशा ही आधार लंब से छोटा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी हम कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है कि टेन ए सदैव एक से कम हो, क्योंकि ये कंडीशन यहां पर नहीं फॉलो कर रहा है कि भैया अब एक से कम होने का मतलब है ये जो आधार है वो सदैव जो है लंब से कम होना चाहिए। मतलब अगर जैसे लंब आपका चार है तो आधार तीन हो, लंब आपका पांच है आधार आपका चार हो, लंब आपका छह है तो आधार दो हो। अगर कहीं ऐसे हो गया, लंब सात हो गया आधार आठ हो गया, तब क्या करोगे प्यारे बच्चों, तब तो ये एक से छोटी वैल्यू आएगी ना। अब देखो 9/10 कर दो तो लंब यहां 9 है आधार यहां 10 है, यानी जब जब प्यारे बच्चों लंब जो है आधार से छोटा होगा तो टेन ए का मान एक से जो है क्या होगा, कम होगा। परंतु जब लंब आधार से बड़ा होगा तो टेन ए का मान एक से ज्यादा होगा। बात समझ गए। अब देखिए जैसे आपने यहां भाग दिया, दो तिहाई कितना आया, अच्छा टेन ए का मान कितना आया, तीन आया। अब बोलो परंतु जब यहां भाग दोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 0.99 कर कैसे आएगा, जाने वाला नहीं जाने वाला, बताओ। तो भैया बात सीधी सी है, अगर लंब लंब कम है तो टेन ए का मान एक से कम होगा, अगर लंब ज्यादा है आधार कम है तो टेन ए का मान एक से ज्यादा होगा, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक, बात समझ में आ गई बच्चों। अब आप इसको हम रफ कर दे रहे हैं। सेकेंड प्रश्न की बात करते हैं। सेकेंड प्रश्न कह रहा है सेक ए बराबर 12/5, 12/5, फिर बोला बताओ ये कथन सत्य है, ये कथन क्या है, सत्य है या नहीं है। तो भैया हम बता दें जानकारी के लिए, इसका जवाब जान लीजिए, ये कथन असत्य है। फिर से मुद्दा वही उठा सर, कैसे क्यों, आइए हम जानते हैं सेक ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां जो अनुपात दिया गया है 12/5, और जानते हो प्यारे बच्चों जो ये कर्ण होती है ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इस बात को ध्यान देना। अब बताओ ये आधार है, अब यहां आधार कर्ण से बड़ी है, क्या ये स्थिति संभव है, नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति है ही नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से ये स्थिति नहीं हो सकती कि आधार कण से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। तो गाइज आपके ये तीसरे चौथे और पांचवें प्रश्न सत्य असत्य बताना है, आइए कारण सहित। कॉस ए करा, कॉस ए जो है वो कोण ए तथा कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, क्या ऐसा है। यानी आप इस हिंदी को ऐसे लिखो कि भैया ये कॉस ए हो गए, ए का इधर कर दे तो ये क्या हम कोसेंट ए, सी ए एन टी कोसेंट ए, यानी क्या कोसेंट ए का 60 कट कॉस ए होता है, ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। गाइज ऐसा कभी भी नहीं होता, इसका जो 60 रूप होता है, इसका जो 60 रूप होता है ना, 60 रूप जो होता है वो होता है कोसेक ए, क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक ए, यानी कोसेंट ए का 60 जो होता है कोसेक ए होता है, कभी कॉस ए नहीं होता, इसलिए ये कथन जो है ना वो आपका क्या है, असत्य है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले की। कॉट ए जो होता है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो जानकारी के लिए प्यारे बच्चों ये कथन क्या है, असत्य है। अब क्यों असत्य है आइए हम देखते हैं। इसलिए असत्य है क्योंकि ये जो कॉट बाबू है, जहां ए नहीं लगा केवल कॉट है,
इस काट का कोई अस्तित्व नहीं है, इस काट का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि इसके साथ ए नहीं लगा है। तो हम जब काट का कोई अस्तित्व नहीं, काही का गुणन करेंगे तो लिखेंगे इस काट का कोई अस्तित्व नहीं है, काट का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व। अब क्यों अस्तित्व नहीं है प्यारे बच्चों, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से इसमें एक कहीं लगा नहीं है। अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। अब क्यों असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर तो हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण। अब लंब 4 है, कर्ण 3 है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो 3 है कर्ण है वो लंब से छोटा हो, कभी आपने देखा नहीं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बताओ ये कर्ण है, कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। बात समझ आई? तो गाइज इस प्रकार आपका जो है पूरा 8.1 शुरू से लेके अंत तक समाप्त हो जाते हैं। यदि गाइज पूरे क्लास के दौरान दोनों पार्ट की बात कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, और कहीं भी दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा, जिस प्रकार की दिक्कत हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों, और अपने टारगेट को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।